वाह, आज हम बनाएंगे ये मजेदार सी स्मूदी जो कि बहुत ही टेस्टी है और इसमें हमने ढेरों न्यूट्रिशन भी ऐड किया है। कैसे? चलिए हम बताते हैं। इस तरीके से आम का पेस्ट बनाना है। ये मैं आम की एक फांक काटी, उसमें इस तरह से क्रिस क्रॉस लगा लीजिए और इस तरह से चम्मच की मदद से स्कूप आउट कर लीजिए। देखिए इतनी आसानी से निकल आता है, कोई मेस भी नहीं होता है और आराम से इस तरीके से निकल आएंगे। इनको हम डाल के और एक पेस्ट बना लेंगे चला के। हम इस तरह से सारे मैंगो पीसेस डाल के 2 मैंगो का मैं पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। बस ये मैंगो पेस्ट इज रेडी टू यूज। आप चाहें चीनी भी इसी समय पर पीस सकते हैं, वरना बाद में चीनी मिला के हम पीसेंगे। इस मैंगो स्मूदी के लिए जो हमें चाहिए वो है ये मैंगो पेस्ट, दही, गाढ़ा दही लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद, और ये मैंने सीड्स भी लिए हैं, मेलन सीड्स हैं ये, मगज, और थोड़ा सा शुगर पाउडर, वो अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे। थोड़े से बर्फ के टुकड़े भी डालेंगे हम बाद में। अब इस मैंगो पेस्ट में हम स्वादानुसार शुगर डालेंगे। आपका मैंगो कितना मीठा है इस पे डिपेंड करेगा। मैं इसमें ये मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब शुगर पाउडर लिया है, ये मैं करीब 3/4 डाल दूँगी इसमें, तो ये बराबर मीठा हो जाएगा। क्योंकि हमें ये सोचना है कि मैंगो तो मीठा है लेकिन साथ में दही के लिए भी तो शुगर चाहिए ना, उसके हिसाब से डाल देना। और अब इसमें मैं ये दही, कोई भी अच्छा गाढ़ा दही लीजिए, घर का है तो थोड़ा पानी अलग कर लीजिए, ये मैंने मस्ती दही लिया है, इसमें से 4 छोटे चम्मच मैं दही मिलाऊंगी इसके अंदर। 1, 2, 3 और 4। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे हैं, जैसे कि पहले बादाम, अखरोट, और थोड़े से मैंने मगज़ के बीज भी लिए हैं। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो बच्चों के लिए स्मूदी जनरली बना रहे हो ना तो ये डाल के बहुत ही बढ़िया रहता है। अखरोट भी अच्छा है, बादाम भी अच्छा है और मेलन सीड्स भी अच्छे हैं। तो ये सबको डाल दिया है। मैं अभी बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हम कुछ ऐड करेंगे। तो चलिए इसको मिला के अब हम चला देते हैं। ये देखिए अब हम इसको, इस तरह अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए ये हमारी बहुत ही अच्छी स्मूदी तैयार हो गई। मैंने इसमें बर्फ नहीं डाली, आपने ध्यान दिया होगा। आप चाहें तो इसी समय पे बर्फ डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बच्चों के लिए कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग करूंगी और इसको जब हम ग्लास में डालेंगे तो हम कुछ और ऐड करेंगे, जिसकी वजह से मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाली है। बर्फ़ की वजह से थोड़ा पतला भी हो जाता है क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है, तो मैं कुछ और डालती हूँ। बस अब ये रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे ग्लासेस में। अब देखिए इसको हम एक अच्छे से ग्लास में, या फिर आप इसको, ये इतनी गाढ़ी है, आपको दिख रही है ना, देखिए कितनी बढ़िया स्मूदी तैयार हुई है। तो आप चाहें तो ग्लास में और चाहें तो इसको हम एक कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी, कितनी यमी टाम चटिंग लग रही है ना। देखिए इसको इस तरीके से डाल देंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगी जिससे बच्चों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वो क्या है चलिए बताते हैं। वो है ये केसर पिस्ता आइसक्रीम। या आपके बच्चों को जो भी पसंद हो, बस उस आइसक्रीम को हम ऊपर से इसमें टॉप अप करेंगे। हो गया ना ये और यमी। वाओ देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा, आई एम डेड श्योर। इसके अलावा वो कुछ और चाहेंगे ही नहीं बाजार का। तो बस जितना चाहे उतना डाल लीजिए। इसी के लिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया था वो, और ऊपर से थोड़े से कटे हुए अखरोट और आलमंड्स, साथ में ये थोड़े से मगज के बीज भी। तो बस ये इस तरीके से रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी मैंगो स्मूदी।
और ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है। आपको पता है इसमें हमने क्या क्या डाला है, ये बच्चों की भी आपके फेवरेट बन जाएगी। तो फटाफट से बनाइए और इस आमों के मौसम में बच्चों को इसका मजा दीजिए। आपको कैसी लगी, आपके बच्चों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई तो फैमिली और फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग सखी किचन।